So today's topic is turnover ratios, which is also known as activity ratios. आप लोग लिखते जाएंगे साथ के साथ सब चीजें. टर्नओवर रेशियोज, द लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज वी हैड ऑलरेडी स्टडी. एंड इफ यू रिमेम्बर दैट टर्न वी हैव टू स्टडी फोर काइंड ऑफ टर्नओवर रेशियोज हेयर. Turnover ratios or activity ratios. Okay, and what are those? The first in that one is inventory turnover ratio. The first turnover ratio is inventory turnover ratio. So start writing the formula for that. Inventory turnover ratio equals to the formula for inventory turnover ratio is कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. आई होप आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था और मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आप लोगों को मीनिंग बताया था. आप कोई बता सकता है मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मीनिंग मैंने बताया था? सेल्स, नेट सेल्स. नेट सेल्स है ना, नेट सेल्स होगा, सेल्स नहीं होगा. सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जब हम करते हैं तो हमारे पास में नेट सेल्स आता है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? तो फॉर्मूला होता है यहाँ और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो मैं अभी बता दूंगा आपको. पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन लोग. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. तो ये है फॉर्मूला आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है? अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाट डू वी मीन बाय एवरेज इन्वेंट्री, या फिर कह लें कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ that how will you calculate the cost of revenue from operation. So cost of revenue from operation equals to revenue from operation minus gross profit. ठीक है, दूसरा यहाँ पे है कि एवरेज इन्वेंट्री अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास में, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री. मैं एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में आप लोग इसको प्लीज फुल फॉर्म लिखना है ना, शॉर्ट में नहीं लिखना. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू. ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू. तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है एक्टिविटी रेशियोज में. और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करना है किससे, एवरेज इन्वेंट्री से. यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में हो तो पूछिए.
अब हम लेते हैं अपना सेकंड फॉर्मूला. द सेकंड इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. सर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? नहीं, इन ये जो भी एक्टिविटी रेशियोज हैं इनके आइडियल रेशियोज कभी भी गिवन नहीं होते हैं, बल्कि इसमें ये देखा जाता है दैट आइदर इट विल बी हायर द रेशियो बेटर इट विल बी, और इट विल बी लाइक द लोअर द रेशियो बेटर इट विल बी. तो वो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है ना. बाकी जो आइडियल रेशियो स्पेसिफाइड है वो सिर्फ तीन के लिए है, एक करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो और तीसरा डेट टू इक्विटी रेशियो. इन तीन के ही आपको आइडियल रेशियोज स्पेसिफाइड हैं, बाकी सबके लिए हमें ये देखा जाता है कि किसी में हायर रेशियो बेटर होता है और किसी में लोअर रेशियो बेटर होता है. ओके सर, मैं थोड़ा सा ये एक दो फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट क्यों करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको थोड़ा सा, ठीक है. क्या मुझे कोई बता सकता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. तो इतना तो आप लोगों को याद होगा कि डेटर्स किसे कहते हैं, सॉरी कोई बता सकते हैं मुझे? सर फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव द कैश अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बोलो, है ना. तो व्हेनेवर वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट दैट इज अ सिचुएशन व्हिच गिव्स राइज टू डेटर्स. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स ही होता है. तो फॉर्मूले को समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. जहां पे आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े आपको, तो वहां पे आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डील करना होगा. यानी कि कैश सेल्स अगर कोई आपकी है तो उसे आपको पूरी तरह से इग्नोर करना है, उसे आपको नहीं लेना है. आपको सिर्फ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स को ही कंसिडर करना है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स तो क्रेडिट सेल्स से ही रिलेटेड वाले होते हैं, ठीक है. तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. आई होप फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले में तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को. अब बात आती है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो उसके लिए लिखिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. उसमें से अगर हम कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो कौन सा वाला बचेगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बचेगा. तो ये हमारा फॉर्मूला था क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का. फिर आप कहेंगे सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिखो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स equals to opening trade receivables plus closing trade receivables upon two. अब एक चीज यहाँ पे आपको माइंड में समझने की है कि मैंने वर्ड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में ट्रेड रिसीवेबल लिया है. ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ. क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में भी मैंने ट्रेड रिसीवेबल लिया है, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बोथ, है ना. वो चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा
माइंड में ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कर देना कि सिर्फ डेटर को ले लिया। ट्रेड रिसीवेबल वर्ड का मतलब है वो, इसमें डेटर भी होंगे और क्रेडिटर, सॉरी सॉरी डेटर भी होंगे और बिल्स रिसीवेबल भी होंगे, दोनों उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों दे रखी है, जैसे कि आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा कंपेरेटिव फॉर्म होती है, और उसमें आपको डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों का अमाउंट दे रखा है, तो आप ओपनिंग के डेटर और ट्रेड डेटर और बिल रिसीवेबल को ऐड कर लोगे आपस में, और क्लोजिंग डेटर और ट्रेड रिसीवेबल को ऐड कर लोगे, और फिर उसको यहाँ पे फॉर्मूले में रख के उसको डिवाइड बाई टू करके करेंगे आप कैलकुलेट, ठीक है। अब इसमें से एक और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड ही एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू और 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब आप सोचेंगे 365, 12 ये क्या चीजें आ गई, तो ये डेज एंड मंथ। जी अगर हम नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो 365 अपॉन टीआर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर देना, और अगर आप नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हो तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर देना। तो पहले तो आप ये सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, आई होप आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहली बात कि जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं ना, टर्नओवर रेशियोज हमेशा टाइम्स में प्रेजेंट किए जाते हैं। इनका जो आपका मींस कह सकते हैं कि अपना जो यूनिट होता है, दीज आर प्रेजेंटेड इन टाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 आया कैलकुलेट करके, तो मैं उसको क्या बोलूँगा 2 टाइम्स। मैंने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया और वो 4 आया तो मैं उसको क्या बोलूँगा 4 टाइम्स। जैसे कि अपन जो सॉल्वेंसी रेशियोज थे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते थे, उसको हम रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे इस टू वन करके, है ना, जैसे 2:1, 1:1, 1.5:1, हम उसको रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे प्योर रेशियोज फॉर्म में। लेकिन जो एक्टिविटी रेशियोज हैं, जो टर्नओवर रेशियोज हैं, ये हमेशा टाइम्स में प्रेजेंट होते हैं, पहली बात। दूसरा आपको यहाँ पे फॉर्मूले जैसे जो लिखे हुए हैं, सबसे पहला अपन ले लेते हैं किसको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट क्यों किया जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। और उसके बाद में बात आती है कि अगर हमें इस फॉर्मूले में, क्या ये फॉर्मूला फिक्स है या इस फॉर्मूले में कभी कोई चेंज की जरूरत भी पड़ सकती है। तो देखिए पहली बात तो ये कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूले में दो कंपोनेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। ये बताता है कि आपके बिजनेस में जो स्टॉक ऑफ गुड्स है, जो इन्वेंट्री है, वो कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट हो पा रही है। आई रिपीट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इम्प्लाइज और सिग्निफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स आर स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, आर द नंबर ऑफ टाइम्स आर स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, ठीक है। क्या अगर ये हमारे पास जो भी स्टॉक है, क्या ये सेल्स में कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और अगर हो पा रहा है तो एक साल में इसी, सपोज हमारे पास 10,000 रुपीज का स्टॉक है, हमारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखा हुआ है 10,000 रुपीज का इन्वेंट्री है, तो इस 10,000 रुपीज की इन्वेंट्री को हम ईयर में कितने टाइम्स सेल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। सपोज कर लीजिए कि अगर आप इसको 4 टाइम्स सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हो, तो इसका मतलब आपका जो सेल्स है वो कितना हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई 4 करके 40,000 रुपीज का ही होगा। अगर आप इसको 12 टाइम्स कन्वर्ट कर पाते हो सेल्स में, तो 1,20,000 रुपीज का हो जाएगा। सो व्हाटएवर स्टॉक यू आर मेंटेनिंग, व्हाटएवर स्टॉक यू आर मेंटेनिंग,
how many times you are able to convert it into sales, that is signified by inventory turnover ratio. अब बताइए, higher the ratio will be a better one or the lower the ratio will be a better one? आप लोग खुद ही सोच के बताइए. Higher the ratio will be better one. Exactly. क्योंकि जितनी ज्यादा बार अपन उसको सेल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे उतना ही हमारे फर्म के लिए अच्छा होगा ना, कि कम स्टॉक मेंटेन करके भी हम ज्यादा सेल्स कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे ये मैं पहले इसलिए एक्सप्लेन किया जिससे आप खुद उसको अपने माइंड में सेट कर पाए दैट इसका आइडियल क्या होना चाहिए. सो यू कैन मेंशन हायर द रेशियो बेटर इट इज. हम आते हैं. अच्छा सुनिए, एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि सपोज अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है तो क्या करोगे? तो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपल सा लॉजिक है. लेकिन मान लीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है. क्या बोला मैंने कि सपोज आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है और आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में, सिर्फ उस सिचुएशन में जहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल भी ना बचे, आप फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं. और फॉर्मूला क्या ले सकते हैं आप? फॉर्मूला यू कैन टेक टू बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, सिर्फ उस सिचुएशन में कि जहां पे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है, तो आप फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं और आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ये एक पर प्रायोरिटी अपन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देंगे. ठीक है, अब आता हूँ मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे. जैसे कि आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल अराइज होते हैं क्रेडिट सेल्स वगैरह करने से, तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? इसमें हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास में जो भी डेटर्स, वही इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे पास में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो कितने बार साल में रिपीट होते हैं. हाउ मेनी टाइम्स द ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स. आई रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज टू इवेल्युएट दैट हाउ मेनी टाइम्स द ट्रेड हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स. ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये अपने जो डेट कलेक्शन पीरियड लिखा है ये कैसे हो कैलकुलेट होगा या किस तरह से ये वर्क करता है. मान लीजिए आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो आपने कैलकुलेट किया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो आपने कैलकुलेट किया वो आपका आया 4 times. कितना आ गया आपका? 4 times आ गया. जस्ट हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ इसको सुन के और समझिए. आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया और वो आया आपके पास में 4 times. इसका मतलब क्या है कि आपने अपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को कितने टर्नओवर किए साल में? आपने 4 turnover किए. इसका मतलब आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कितने मंथ्स का क्रेडिट देते हो? आप अपने कस्टमर्स को 3 months का क्रेडिट देते हो, इसलिए आप पूरे साल में टोटल 4 turnovers कर पाते हो. अगर आप अपने कस्टमर्स को अगर 2 months का क्रेडिट ही अलाउ करो तो आपके साल में कितने टर्नओवर हो जाएंगे? हमारे साल में 6 turnovers हो जाएंगे. अगर हम अपने कस्टमर्स को सिर्फ 1 month का क्रेडिट अलाउ करें तो हमारे साल में कितने टर्नओवर हो जाएंगे? हमारे साल में 12 turnovers हो जाएंगे. समझ में आ रहा है आपको सिचुएशन? अब बात ये आती है कि फिर ये कैलकुलेट करने की कहाँ जरूरत है? तो जरूरत ये है, जितना जल्दी आप अपने कस्टमर से मनी कलेक्ट करोगे उतना हायर आपका, उतने ज्यादा आपके टर्नओवर होंगे, उतना हायर आपका रेशियो आएगा. और ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है हाउ प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट यू आर इन कलेक्शन ऑफ योर डेट्स फ्रॉम योर कस्टमर्स. हाउ क्विक, हाउ एफिशिएंट, हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर इन कलेक्शन ऑफ डेट्स फ्रॉम योर कस्टमर्स. अगर आपको 4 months का क्रेडिट देना पड़ेगा तो आपको 3 turnover ही हो पाएंगे. अगर आपको 6 months का क्रेडिट देना पड़ेगा
तो आपके साल में दो ही टर्नओवर हो पाएंगे, टू टाइम्स ही हो पाएगा। और ये क्या बताएगा? दैट यू आर नॉट गुड इनफ टू कलेक्ट योर डेटर्स ऑन टाइम। तो आप बताइए आइडियल रेशियो क्या मानेंगे आप इसके लिए? लोअर द रेशियो बेटर। क्या बात कर रहे हो भाई, लोअर का मतलब तो हो गया अगर मेरा टू टाइम्स आया, टू टाइम्स का मतलब मैं कितने मंथ्स का क्रेडिट देता हूँ, मैं सिक्स मंथ्स तक का क्रेडिट देता हूँ, तो इसका मतलब फिर सिचुएशन बुरी हो गई ना कि मैं इतना लंबा लंबा क्रेडिट अलाउ करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मैंने कैलकुलेट किया और वो आया सिक्स टाइम्स आया, सिक्स टाइम्स का मतलब क्या है कि मैं अपने कस्टमर्स को सिर्फ कैलकुलेट कर लो वो चीज़ भी कैसे सिक्स टाइम्स। देखो डेट कलेक्शन पीरियड 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सिक्स टाइम्स आया यानी 12 अपॉन सिक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 अपॉन सिक्स इक्वल्स टू टू मंथ्स आ जाएगा ना, टू आ जाएगा सर, है ना, टू मंथ्स आ जाएगा। यानी कि आपने कितने मंथ्स में कलेक्ट कर लिया, आपने डेटर्स से मनी कितने टू मंथ्स में कलेक्ट कर लिया। अब मान लो कि आपने अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया 12 आया, तो 12 अपॉन 12 कितना आएगा, वन मंथ आएगा। तो और ज़्यादा आप एफिशिएंट होगे ना अपने कस्टमर से मनी कलेक्ट करने में, तो क्या कहेंगे, हायर द रेशियो बेटर इट इज। जितना ज़्यादा रेशियो हाई आएगा वो सिग्निफाई करेगा कि आप अपने कस्टमर से टाइमली पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, मनी कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बोलिए। ये डेट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने का सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गया होगा कि हमें पता चले कि कितने मंथ्स का या कितने डेज का क्रेडिट हम अलाउ कर रहे थे अपने कस्टमर्स को। कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में इन रेशियोज इन फॉर्मूला से रिलेटेड? नो सर जी। तो वापस से शुरू करें, कोई बात नहीं कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड पेबल्स कब अराइज होते हैं, ट्रेड पेबल्स तब अराइज होते हैं जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं। इसी वजह से फॉर्मूले में जो हमारा रिलेशन है वो किससे है, वो नेट क्रेडिट परचेजेस से है। जैसे कि एवरेज जो हमारा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कब अराइज होते थे, जब हम क्रेडिट पे सेल करते थे, तो वहाँ पे हमने रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया था। वर्ड क्रेडिट याद रखिएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया था। यहाँ पे ट्रेड पेबल्स आया तो नेट क्रेडिट परचेजेस ले लिया आपने, क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। अब आपको याद होगा, उम्मीद करता हूँ, कि ट्रेड पेबल्स में हम कौन सी दो चीजें इंक्लूड करते हैं। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो अगर आपको बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों दे रखी है और उसमें बिल्स पेबल भी हैं और क्रेडिटर्स भी हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन टू, यानी टोटल फोर आइटम्स ऐड करेंगे फिर आप उसमें। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो दो ही लिखी थी, यहाँ पे चार कैसे हो गई, क्योंकि मैंने वर्ड ट्रेड पेबल लिखा है और ट्रेड पेबल में दो चीज़ें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो वो ध्यान रखना है। फिर आता है हमारे पास में एक ये अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सपोज आपको जो रेशियो कैलकुलेट जो आंसर कैलकुलेट करना है वो नंबर ऑफ मंथ्स में करना है, तो आप क्या करेंगे, 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और अगर आप नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप करेंगे 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, वो ये कभी कभी क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई करता है कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड टेकिंग 360 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो वहां पे अपना दिमाग नहीं लगा देना कि सर ने तो सब फॉर्मूले में बोला था 365 और इसने क्वेश्चन में 360 लिखा है तो मिसप्रिंट होगा, अपन तो 365 ले लो। नहीं, आपको 360 ही लेना है वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है। और ये अंडरस्टूड है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जब लीप ईयर होता है तो वो 366 होता है, तो जो आपका अकाउंटिंग पीरियड दे रखा है उसको ध्यान रख लेना। वो अकाउंटिंग पीरियड अगर लीप ईयर वाला आता है, और लीप ईयर किस तरह से लेना है कि उस अकाउंटिंग पीरियड में जो फरवरी आ रहा है उस फरवरी में अगर वो 29 हो रहा है
तो वहां पे 366 भी ले लेना, ठीक है। कैलेंडर ईयर नहीं चलता, फाइनेंशियल ईयर चलता है, अप्रैल से मार्च तक वाला चलता है, तो वो उस अकाउंटिंग पीरियड में जो फरवरी आ रहा है अगर उसमें 29 हो रहा हो तो फिर याद रख के उसको 366 कर लेना, अदरवाइज नॉर्मली 365 है और क्वेश्चन 360 बोलता है तो 360 है, ठीक है। फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हमें क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इतना तो आप लोगों को आई थिंक सबको याद होगा, दैट इज दीज एक्टिविटी रेशियोज, दीज टर्नओवर रेशियोज आर कैलकुलेटेड एंड प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, ओके, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, इस तरह से इनका आंसर हम प्रेजेंट करते हैं। लाइक लिक्विडिटी रेशियोज आर प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्योर रेशियोज, द सॉल्वेंसी रेशियोज आर ऑल्सो प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्योर रेशियोज, बट द टर्नओवर रेशियोज दैट इज एक्टिविटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड एंड आंसर इज प्रेजेंटेड, यूनिट इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, लाइक दैट। सो द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट एसेट में लूज टूल्स स्पेयर्स इंक्लूडेड मानने हैं। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वर्किंग कैपिटल, सॉरी नॉट कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल अपॉन टू। एंड ऑब्वियसली जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर आपको दो सेपरेट बैलेंसेस कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो तो जो आपको एक सिंगल फिगर दे रखा है उसी को आप एवरेज कंसिडर कर लेंगे। वैसे अगर आपको बैलेंस शीट देगा तो कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा कंपेरेटिव फॉर्म में होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की साथ में होती है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर बैलेंस शीट आपको आती है तो दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के साथ में आपको ईजिली मिलेंगे। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी के माइंड में यहां तक हो तो पूछिए एक बार। चलिए अब एक बात बताइए कि सपोज किसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें, उस क्वेश्चन में आपको न तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और न ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल है, फिर आप क्या करेंगे? सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शनल सिचुएशन, वी मे टेक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज इन द फॉर्मूला एज द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है, जैसे मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब पढ़ाया था तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने प्रायोरिटी किसको दी थी, प्रायोरिटी वॉज गिवन टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट इन द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू वॉट, द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस द प्राइमरी आइटम और द प्राइमरी एग्रीगेट टू put in the formula, then at the secondary stage we can take the another thing also, ठीक है। ध्यान रखना, confused नहीं हो जाना, inventory turnover ratio में जो priority है वो cost of revenue from operation को है और working capital turnover ratio में जो priority है वो revenue from operation को है। कोई confusion, कोई doubt किसी को अगर है तो पूछ। Like when we calculate working capital, so loose tools and spares forms the part of current assets, no problem in that. Why it forms the part of current asset? Because in the balance sheet the loose tools and spares are given under inventories under current assets, so if it is given under the heading current assets, so it should form a part of current asset, no issues. But when we calculate current ratio, that is current asset upon current liabilities, when we calculate current ratio, we at that time when we take current asset, in the current asset we exclude the loose tools and spares. While calculating current ratio, we do not include loose tools and spares in the current assets. Now the question arises, why? Why do we exclude the loose tools and spares while calculating current ratio? The only reason is that loose tools and spares are not meant for resale. That is the only reason. Okay, that is the only reason. That is, loose tools and spares are purchased for you to be used in the factory premises and are not meant for resale. That is the reason it is not
they cannot be converted into cash. That is why they are not included in current asset, because current ratio is an indicator which reveals us the liquidity position of our business. And liquidity position of our business can be assessed through the cash only. Any item which can be converted into cash, for example, debtors, obviously they can be converted into cash. Stock of goods can be converted into cash. So the items which can be converted into cash that are included in current assets, but the loose tools and spares, loose ki spelling yahan pe galat likhi hai maine, it should be LOOSE, loose tools and spares are not meant for resale and cannot be converted into cash. That is the only reason we do not include it in the current assets while calculating current ratio.